गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम एलपी सवाणी रिवर साइड स्कूल। माई सेल्फ तेजस्वी घावरे, स्टैंडर्ड 3, सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर 2, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। अवर टुडेज टॉपिक इज अबाउट डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज डेस्कटॉप। हाउ टू स्टार्ट स्विच ऑन द कंप्यूटर। तो फर्स्ट कंप्यूटर स्विच ऑन करने के लिए उसकी स्विच ऑन करने पड़ेगी। दी स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई बटन। पावर सप्लाई बटन की स्विच ऑन करनी पड़ेगी पहले। ये पावर सप्लाई बटन की स्विच हमें ऑन करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट स्विच ऑन द पावर बटन ऑन द सीपीयू। सीपीयू में जो पावर बटन होता है वो हमें स्विच ऑन करना है। फिर नेक्स्ट स्विच ऑन द पावर बटन ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर में जो पावर बटन होता है वो उसके बाद हमें ऑन करना है। तो ये तीनों स्टेप हो जाने के बाद कंप्यूटर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो थोड़ा लोड लेती है, यानी कि थोड़ी लोडिंग होती है उसके अंदर। उसके बाद हमें हमारा कंप्यूटर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लेती है, लोड लेती है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाने के बाद हमारी स्क्रीन पे, हमारी स्क्रीन जब मॉनिटर स्क्रीन ओपन होती है यानी कि ऑन हो जाती है तो ऐसी विंडो दिखती है। इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। व्हेन द प्रोसेस ऑफ बूटिंग इज कंप्लीटेड। बूटिंग की प्रोसेस, बूटिंग यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड लेता है, तो वो प्रोसेस ख़त्म हो जाने के जो बाद जो विंडो ओपन होती है उसको बोलते हैं डेस्कटॉप विंडो। तो ये है हमारी डेस्कटॉप विंडो। डेस्कटॉप पे जो ये स्मॉल स्मॉल आपको आइकन्स दिख रहे हैं, स्मॉल स्मॉल पिक्चर्स दिख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, तो उसको बोलते हैं आइकन्स। डेस्कटॉप के ऊपर जो आपको स्मॉल स्मॉल पिक्चर्स दिख रहे हैं ये सब, उसको बोलते हैं आइकन्स। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर्स दिख रहे हैं उसको बोलते हैं आइकन्स। आइकन्स में क्या क्या होता है, तो आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर्स विथ नेम्स एज रिसाइकल बीन्स, नेटवर्क, कंप्यूटर एंड मैनी मोर आर कॉल्ड आइकन्स। फिर हमें ये आइकन्स सिलेक्ट कैसे करने हैं, हाउ टू सिलेक्ट एन आइकन। ये आइकन को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो हमें उस आइकन पे सिंपली क्लिक कर देना है, कोई भी आइकन। सपोज हमें कंप्यूटर का जो आइकन है वो हमें सिलेक्ट करना है, तो वो आइकन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। माउस का जो बटन है लेफ्ट बटन, वो सिंपली क्लिक करना है कोई जो आइकन को सिलेक्ट करना है उसके ऊपर, तो आइकन क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो हाउ टू सिलेक्ट एन आइकन, टू सिलेक्ट एन आइकन सिंपली क्लिक ऑन इट, इट विल बी हाईलाइटेड। वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि उसके आजू बाजू ऐसा स्क्वायर आ जाएगा, तो हमें पता चल जाए कि ये हाईलाइट है यानी कि सिलेक्टेड है। अभी डेस्कटॉप के ऊपर एक नीचे टास्क बार होता है, नीचे के साइड बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप क्या होता है, टास्क बार। ये जो हॉरिजेंटल बार आपको दिख रही है वो है टास्क बार। तो टास्क बार की डेफिनेशन क्या है, तो टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजेंटल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। उसको क्या बोलते हैं, टास्क बार। तो टास्क बार में क्या क्या होता है, सिस्टम ट्रे होती है जो राइट साइड दिख रहा है, जहाँ पे टाइम दिखा रहा है वो है सिस्टम ट्रे राइट साइड। टास्क बार जो है नीचे की हॉरिजेंटल बार, उसके ऊपर जो टाइम, डेट एंड टाइम हमें दिखा रहा है यहाँ पे, वो है सिस्टम ट्रे। उसको बोलते हैं सिस्टम ट्रे। उसके ऊपर हमें डेट एंड टाइम और हमारे कंप्यूटर का स्टेटस दिखाते हैं। फिर है क्विक लॉन्च बार। टास्क बार में क्या होता है दूसरा, क्विक लॉन्च बार। तो ये जो नीचे आइकन्स दिख रहे हैं वो है क्विक लॉन्च बार। जो हमने प्रोग्राम ओपन किया है या फाइल जो भी ओपन की है हमने कंप्यूटर में, वो हमें क्विक लॉन्च बार में दिखाते हैं। फिर है स्टार्ट बटन। यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड के
नीचे जो हमें दिख रहा है टास्क बार पे, फर्स्ट जो आइकन होता है वो है स्टार्ट बटन. यू विल सी द स्टार्ट बटन एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन. द स्टार्ट बटन कैन बी यूज टू फाइंड एंड ओपन एनी प्रोग्राम. स्टार्ट बटन क्यों यूज़ होता है? कोई भी फाइल या प्रोग्राम हमें ओपन करना है तो उसके लिए स्टार्ट बटन यूज़ होगा. स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद एक मेनू ओपन होता है. यहाँ पे दिख रहा है आपको एक मेनू ओपन हुआ है, उसको बोलते हैं स्टार्ट मेनू. जो मेनू ओपन होता है स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद उसको बोलते हैं स्टार्ट मेनू. तो द स्टार्ट मेनू इज़ डिवाइडेड इंटू टू पेन्स. स्टार्ट मेनू जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, द लेफ्ट पेन एंड द राइट पेन. स्टार्ट मेनू जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट है लेफ्ट पेन, वाइट कलर की जो हमें दिख रही है वो है लेफ्ट पेन, और उसके बाजू में यानी कि राइट साइड जो है ब्लैक कलर की वो है राइट पेन. अगर हमें कुछ भी सर्च करना है कंप्यूटर में, हमारी जो भी फाइल्स है उसको सर्च करना है तो क्या करेंगे, हम स्टार्ट मेनू में सर्च करेंगे सिंपली. ये है स्टार्ट मेनू, ये है राइट लेफ्ट पेन, और उसके बाजू में ये है राइट पेन. फिर नीचे है ऑल प्रोग्राम्स. स्टार्ट मेनू में हमें दिख रहा है ऑल प्रोग्राम्स. ऑल प्रोग्राम्स में क्या होता है? द ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन इज यूज टू डिस्प्ले द कंप्लीट लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स प्रेजेंट इन द कंप्यूटर. ऑल प्रोग्राम्स जो है, जो हमारे कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सब प्रोग्राम्स हमें दिखाता है. उसके नेम वाइज होता है, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है. तो अगर हमें कोई भी फाइल या प्रोग्राम ओपन करना है तो ऑल प्रोग्राम्स में जाके उसको सिंपली क्लिक करके ओपन करना है. थैंक यू.